सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस, ये जो अप्रैल का महीना है इसमें लगभग 10 से 11 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसी 10 दिन के अंदर ना अलग अलग स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से आपको ढेर सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे और लगभग 10 से 15 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में। और गाइस, आज है 19 अप्रैल जहां पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, यहां पर दो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। जो पहला है वह ओप्पो की तरफ से लॉन्च होने वाला ओप्पो A54 स्मार्टफोन, जो कि ऑफलाइन सेंटर स्मार्टफोन है। तो दूसरा है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले स्मार्टफोन। अब ये जो हॉट 10 प्ले स्मार्टफोन है ना, वो 8500 के करीब स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जहां पर गाइस आपको दिया गया है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट, जो कि इस प्राइस के ऊपर मैं बोलूंगा एक ठीक ठाक सा प्रोसेसर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा, आपको डे टू डे टास्क में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है। इसके अलावा 6.82 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो कि एचडी स्क्रीन है, तो ओवरऑल डिस्प्ले भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बैक साइड में प्लास्टिक बैक है, साइनी लुक के साथ में एक कमाल के बैक साइड से भी आता है ये, जहां पर आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अच्छी बात की ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी इस फोन के साथ में दिया गया है। फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो है यहां पर आपको 13 यानी 13 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी शूटर दिया गया है। फोन में बैटरी भी आपको अच्छी दी गई है, मतलब इस फोन के साथ में आपको 6000 mAh की एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक लंबी बैटरी हो जाती है, और साथ में 10 वाट का एक चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके के स्पेक्स के साथ में यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10 डिवाइस आपको 8500 के करीब लॉन्च हो चुका है आज के डेट पे। तो अभी के टाइम पे कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है, इस प्राइस के ऊपर आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आज ही के दिन आपको ओप्पो की तरफ से ओप्पो का A54 स्मार्टफोन भी देखने को मिला है, जहां पर आपको मीडियाटेक हीलियो P35 चिपसेट देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच की एक डिस्प्ले दी गई है, यहां पर भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, 3.5mm का ऑडियो एंड हेडफोन जैक भी मिलता है, यहां पर आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस फोन का जो बैक साइड लुक है ना, वो अपने प्राइस के ऊपर एक कमाल का हो जाता है, मतलब कमाल का लुक देखने को मिलता है। और ये एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जो कि काफी ज्यादा देखा जाता है ऑफलाइन में फोन का बैक साइड, तो एक कमाल का ओवरऑल स्मार्टफोन हो जाता है। तो भाई ऑफलाइन में अगर आपको एक फोन लेना है, तो A54 स्मार्टफोन भी आपके लिए कमाल का हो सकता है ओप्पो की तरफ से, और आज के दिन ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और डेट वाइज ही बात करते हैं, तो 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को आपको मोटोरोला की तरफ से दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और यकीन मानो, ये मोटोरोला के दो ऐसे स्मार्टफोन होने वाले हैं जो मार्केट को हिला के रख देने वाले हैं, अगर इसी प्राइस के ऊपर स्मार्टफोन लॉन्च हो जाते हैं। बिकॉज स्पेक्स तो बिल्कुल ही सेम है इन दोनों ही फोन्स की, जहां पर जो पहला स्मार्टफोन होगा वो होगा मोटोरोला का मोटो G60 स्मार्टफोन, तो दूसरा है मोटोरोला का मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बाकी स्पेक्स बिल्कुल सेम है अगर कैमरा को छोड़ दे तो, जैसे कि इन दोनों ही फोन्स के साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 730 2G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको रिसेंटली Redmi के Note 10 सीरीज के अंदर देखने को मिला है, तो एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट हो जाता है इस प्राइस के ऊपर। और भैया ये भी बताया जा रहा है कि ये जो Moto के दोनों ही स्मार्टफोन होंगे वो Redmi के Note 10 सीरीज को टक्कर देने वाले हैं 20,000 के ऊपर, तो एक बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी कि Motorola अब टक्कर देने वाला है Redmi स्मार्टफोन्स को। बाकी इसके अलावा अगर बात करें बाकी स्पेक्स की, तो डिस्प्ले भी काफी कमाल की दी गई है, जैसे कि 6.82 इंचेस की एक डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आने वाली है। और ये जो डिस्प्ले होगी, AMOLED पैनल तो नहीं होगा, बट 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा इस डिस्प्ले के अंदर। लेकिन जो मेन डिफरेंस होगा इन दोनों ही फोन्स के कैमरा के साथ में होगा, जैसे कि दोनों ही फोन्स के साथ में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलेगा बैक साइड में, लेकिन जो प्राइमरी लेंस होगा जैसे कि Moto G60 के साथ में आपको 108 यानी 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर मिलेगा, और ये सेम वही सेंसर है HM2 सेंसर सैमसंग वाला, जो कि आपको Redmi के Note 10 Pro Max के अंदर देखने को मिला है, तो एक कड़ा कंपटीशन आप मान सकते हो Redmi Note 10 Pro Max के लिए होने वाला है। बाकी इसके अलावा जो यहां पर Moto G40 फ्यूजन स्मार्टफोन होगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का, बाकी दोनों ही फोन्स में सेम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 22 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, इन दोनों ही फोन्स के साथ में आपको 6000 यानी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा ना प्योर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्लीन UI आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो जो Motorola का Moto G40 स्मार्टफोन होगा, उसकी प्राइस लगभग 17,000 से 18,000 के करीब देखने को मिल सकती है, और जो Moto G60 फ्यूजन स्मार्टफोन है ये आपको 20,000 के करीब देखने को मिल सकती है। तो भैया अगर इस प्राइस के ऊपर इस स्पेक्स के साथ में Motorola इसे लॉन्च कर देती है इंडिया के अंदर, तो Redmi के Note 10 सीरीज के लिए एक बड़ा टक्कर होने वाला है। बाकी आप बताओ कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस सीरीज को लेकर, हालांकि मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर Moto इन दोनों ही फोन की प्राइस इसी प्राइस के ऊपर रखती है ना, 17 से 20 के बीच, तो Redmi Note 10 सीरीज का
बहुत बैंड बजने वाला है। लेकिन इसी के साथ अगर आगे बढ़े और बात करें अपने अगले डेट की, जो कि है 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से रियलमी 8 5G स्मार्टफोन। अब ये जो स्मार्टफोन होगा वो 5G के साथ में होगा, जैसा कि रियलमी 8 सीरीज 4G के साथ में आई है, तो उसी का एक 5G वेरिएंट आपको बहुत ही जल्द यानी 22 अप्रैल को देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, जहां पर एक 5G चिपसेट होगा और ये डिवाइस अंडर 15 यानी 15,000 के नीचे रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो भाई देखना होगा कि रियलमी क्या कुछ लाती है, हालांकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस फोन को लेकर नहीं है। और गाइस आपको उसी मंथ के अंदर ना इसी मंथ के लास्ट तक कहीं ना कहीं रेडमी की तरफ से रेडमी के नोट 10 सीरीज भी देखने को मिलेगी 5G के साथ में। तो भाई 5G भी आने वाला है इन सीरीज के अंदर और बहुत ही कमाल के प्राइस पर, तो आप वेट कर सकते हो रेडमी की नोट 10 5G सीरीज को लेकर और रियलमी की 8 5G सीरीज को लेकर। नीचे कमेंट करके बताओ आप कितना ज्यादा वेट कर रहे हो इन दोनों ही सीरीज का। और गाइस जैसे ही 22 अप्रैल को रियलमी अपना रियलमी 8 5G लॉन्च करेगी ना, उसके जस्ट बाद Xiaomi अपना Mi 11 सीरीज लॉन्च करेगी 23 अप्रैल को, जो कि बहुत ही कमाल के रहने वाले हैं। यहां पर आपको इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे और भाई Mi 11 सीरीज के अंदर आपको कुल 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जहां पर जो पहला होगा वो होगा Mi 11, दूसरा होगा Mi 11 अल्ट्रा और तीसरा आपको देखने को मिल सकता है Mi 11 का लाइट वर्जन, जो कि थोड़े कम प्राइस के साथ में आने वाला है। हालांकि गाइस इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। बाकी ये Mi 11 सीरीज ना काफी ज्यादा कमाल के रहने वाली है, क्योंकि Xiaomi इनको बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर 23 अप्रैल को इंडिया के अंदर लॉन्च करने जा रही है। बाकी 23 अप्रैल के एक लंबे गैप के बाद में यानी 26 अप्रैल को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी iQOO 7 सीरीज, जहां पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। पहला होगा iQOO 7 और दूसरा होगा इनका लीजेंड वर्जन, जो कि 5G के साथ में आने वाला है। भाई iQOO 7 सीरीज ना कमाल की सीरीज होगी, यहाँ पर आपको फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगा कमाल के फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ में, 120Hz हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एक कमाल का प्रोसेसर और ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक फोन बनाया जाएगा। तो ओवरऑल भाई अगर आपको गेमिंग करना है, एक फ्लैगशिप फोन चाहिए, तो 26 अप्रैल को iQOO 7 का वेट जरूर कर लीजिएगा। और भाई iQOO के बाद ना Vivo भी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है इसके अगले दिन, यानी 27 अप्रैल को आपको Vivo की तरफ से इनका Vivo V21 सीरीज देखने को मिल जाएगा। और भाई यहां पर आपको ना उसी दिन दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Vivo V21 और Vivo V21 SE स्मार्टफोन। हालांकि जो Vivo V20 Pro स्मार्टफोन होगा, Vivo V21 Pro स्मार्टफोन, वो आपको अगले मंथ हो सके देखने को मिले, बट अभी के टाइम पे 27 अप्रैल को दो ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे Vivo की तरफ से। जहां पर अगर स्पेक्स की बात करें तो गाइस यहां पर आपको ओवरऑल डिजाइन ना दोनों ही फोन्स के लगभग सेम मिलेगी। इस बार जो डिजाइन में चेंज देखने को मिलेगा वो होगा इनके साइड और कॉर्नर को लेकर। इस बार आपको लगभग एप्पल जैसी डिजाइन देखने को मिलेगी, साइड से बिल्कुल फ्लैट डिजाइन आप देख सकते हो, बाकी बैक साइड से वही कमाल का एक हल्का एक प्रीमियम लुक और एक ओवरऑल स्लिम डिवाइस होने वाले हैं, और भी ज्यादा कमाल की आपको स्लिमनेस देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी की बात करें तो Vivo V21 के साथ में आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगा MediaTek Dimensity 800U के साथ में, वहीं पर जो Vivo V21 SE स्मार्टफोन होगा यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 720G देखने को मिल सकता है, जो कि आपको Vivo V20 सीरीज के अंदर देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके का 4G और 5G दोनों ही स्मार्टफोन रहने वाले हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन्स के साथ में आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन Vivo V21 के साथ में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट इस बार बताया जा रहा है देखने को मिल सकता है। उसके अलावा फुल HD प्लस रिजोल्यूशन दोनों ही फोन्स के अंदर होगा, लेकिन जो SE वेरिएंट होगा यहां पर आपको नॉर्मल 16Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन्स में बैक साइड में ट्रिपल कैमरा लेंस होगा, लेकिन जो Vivo V21 का कैमरा होगा ना यहां पर आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा 64MP का और यहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा, और यही नहीं जो फ्रंट कैमरा होगा वो होगा 44MP का और यहां पर भी आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा। और भाई Vivo की तरफ से पहले कैमरास हो जाएंगे जिनके अंदर आपको फ्रंट कैमरा के अंदर भी OIS का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो SE वेरिएंट यानी लाइटर वेरिएंट होगा यहां पर आपको बैक साइड में 48MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के डिफरेंस होंगे। बाकी बैटरी आपको कम ही मिलने वाली है, बिकॉज Vivo फोन को काफी स्लिम रखता है, तो बैटरी आपको कम मिलेगी एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। लेकिन रुकिए भाई, अगर 27 अप्रैल को Vivo की V21 सीरीज लॉन्च होगी ना, तो 28 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा Samsung की तरफ से इनके M सीरीज के अंदर एक 5G स्मार्टफोन, जो कि Samsung के A सीरीज के एक स्मार्टफोन का रीब्रांड वर्जन होने वाला है, जो कि होगा Samsung Galaxy M42 5G डिवाइस। और गाइस ऑलरेडी अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो ये डिवाइस ग्लोबली लॉन्च हो चुका है Samsung Galaxy A42 5G डिवाइस के नाम से, और यही अब रीब्रांड करके Samsung Galaxy M42 नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा 28 अप्रैल को। जहां पर अगर स्पेक्स की बात करें तो ये फोन Qualcomm Snapdragon 750G 5G चिपसेट, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स के अंदर देख रखा है, और ये जो चिपसेट है ना वो 5G कनेक्ट
कनेक्टिविटी के साथ तो आता ही है, बाकी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दे देता है, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी है। सो परफॉर्मेंस को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब एम सीरीज के अंदर एक्सोनोस चिपसेट से स्किप करके भाई क्वालकॉम चिपसेट को लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, एक बिग थम्स अप देना चाहूँगा। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात करें तो फोन का डिस्प्ले भी काफ़ी कमाल का रहेगा, जहाँ पर आपको 6.4 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन नहीं एच डी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आ रही है। इस प्राइस के ऊपर अभी के टाइम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन आ रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में डिस्प्ले की क्वालिटी आपको अमेजिंग मिलेगी। बट बार बार कहूंगा एच डी प्लस रिजोल्यूशन एक बहुत ही गंदी चीज दे दिया है सैमसंग ने, अभी के टाइम पे इस प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। बाकी फोन का बैक साइड लुक आप देख सकते हो, एक अमेजिंग लुक के साथ में आएगा, हालांकि प्लास्टिक बैक होगा और एक पॉलीकार्बोनेट बैक होने के बाद भी जो लुक है ना वो अमेजिंग है, एक ग्लॉसी शाइनी लुक आपको देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी लेंस होगा 48 मेगापिक्सल का, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर दिया जाएगा, फोन में 5000 एमएच की बैटरी पैक्ड होगी और भाई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा इनके कुछ कमाल के फीचर जैसे सैमसंग पे, नॉक सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और इस फोन की जो प्राइसिंग है वो भी कम नहीं रहने वाली है, आपको 20 से 25 के बीच यानी 20-22 बोल सकते हो, या फिर 22 से 23 के बीच आपको कंफर्म इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बस यार कुछ यही स्मार्टफोन है जो कि आपको पूरे अप्रैल मंथ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी यार नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों इतनी देरी कर रहे हो आप बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में। बाकी मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।